हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। तो पॉइंटर्स कई बार काफ़ी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं और आसानी से समझ नहीं आते, तो हम इन्हें बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल स्केच है एक सी प्रोग्राम का। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट सी। तो जब हम इंट सी डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है, मेरा कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी वेरिएबल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, हर किसी को मेमोरी में एक स्पेस चाहिए होता है। तो जिस भी मोमेंट में मैंने लिखा इंट सी, इसका मतलब है मेरे मेमोरी को पता चला कि एक नया इंटीजर नाम का, एक नया इंटीजर टाइप का वेरिएबल सी क्रिएट करना है। तो अब ये सी मेरा मेमोरी में कहीं ना कहीं पे क्रिएट होना चाहिए। तो सिंस इंटीजर्स हमारे मेमोरी में 4 बाइट्स लेते हैं, तो मेमोरी के 4 ब्लॉक्स इस इंटीजर को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक्स ऐसे दिखा रही हूँ, तो इट्स लाइक 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 ब्लॉक्स का मतलब है ये 4 बाइट्स। तो ये मेरे 4 बाइट्स मेमोरी में एक इंटीजर को मिल गए। तो जब भी हम पॉइंटर्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम मानते हैं कि जो मेमोरी है वो मेरा एक, आप एक सड़क की तरह देख सकते हो, एक लेन है जहाँ पे कि छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं, सीरियली बने हुए हैं, राइट। और हर एक जो डब्बा है वो 1 बाइट रिप्रेजेंट करता है। तो ये 1 बाइट हुई, ये 2 बाइट, ये 3 बाइट, ऐसे। तो जो एक इंटीजर सी है, तो जहाँ पे भी मेमोरी कहीं खाली होगी, क्योंकि मेमोरी अभी मेरे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या मेरे कुछ बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मे बी मैंने गाने चला रखे हैं, तो वो सब कुछ ना कुछ मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी मेरे सिस्टम को 4 बाइट खाली मिलेंगे, वो ये 4 बाइट उठा के इस सी को दे देगा। और यहाँ पे हम अपनी सी की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो करंटली जहाँ से भी मेमोरी ने ये सी की वैल्यू उठाई है, यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ हो सकता है गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, तो इसीलिए गार्बेज वैल्यू मतलब पहले ऑलरेडी वहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी होगी। तो क्योंकि ये 4 बाइट्स उठा के सी को दे दिए, क्योंकि ये कहीं यूज़ नहीं हो रहे थे ये पर्टिकुलर 4 ब्लॉक्स, तो ये अब सी को मिल गए और सी में कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू होगी। अच्छा, अब जब ये 4 बाइट सी को मिल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन 4 बाइट्स के अंदर तो सी की जो वैल्यू है वो है। और ये जो 4 बाइट्स है, इनको एड्रेस करने के लिए हमें एक नाम दिया गया है सी। तो ये एक तरीके से ऐसा हो गया, मान लो कि ये एक सड़क है जहाँ पे कि मान लो आप इस शहर में नए आए हो, तो आपने एक घर बनाया, लेट से दैट्स 400 स्क्वायर फीट। तो ये हर एक 100 स्क्वायर फीट है, तो इस एरिया में से 400 स्क्वायर फीट आपने ले लिया। रहते तो आपको, लेकिन आपने इसको कुछ नाम दे दिया, तो लेट्स से सम विला, लेट्स से हैप्पी विला। तो जो वो नाम है हैप्पी विला, वो इस जगह को पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर सड़क पे। तो ऐसे ही जो सी की वैल्यू है वो तो इसके अंदर रहेगी, बट इन 4 बाइट्स को हमने एक नाम दे दिया, वो नाम है हमारा सी। तो जब भी हमें इन 4 बाइट्स को एड्रेस करना होगा या इन 4 बाइट्स में जो वैल्यू है वो चेंज करनी होगी, तो उसको हम इस सी नाम की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। तो पॉइंटर्स हमारी हेल्प करते हैं कि अगर मैं जानना चाहूँ कि एक्चुअली में ये मेमोरी एड्रेस है क्या, तो जो मेरा मेमोरी एड्रेस है वो कहीं 0 से शुरू होगा, तो ये एड्रेस 0 हुआ, ये एड्रेस 1 हुआ, एड्रेस 2 हुआ, तो ऐसे करके। और यहाँ पे मान लो कि मेरा सी था, तो सी का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा जहाँ पे कि वो मेमोरी में है। तो मान लो मैं पता करना चाहती हूँ कि वो एड्रेस क्या है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर को डिक्लेयर करने का हमारा जो सिंटेक्स होता है वो ये है। अच्छा, जो पॉइंटर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे पास अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। इंट एक टाइप है, कैर एक टाइप है, फ्लोट एक टाइप है, डबल एक टाइप है, कैर को चार भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो अब एक जो यहाँ पे मैंने एक नया टाइप का वेरिएबल बनाया है, इसको हम पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल कहते हैं। तो ये पॉइंटर वेरिएबल क्या कर सकता है, ये किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। जैसे हम कह रहे थे कि हमें यहाँ पे सी का एड्रेस पता करना है, तो ये जो मैंने नया वेरिएबल पी बनाया है पॉइंटर टाइप का, ये उस सी के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। हम देखेंगे कैसे।
तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मान लो ये सी इंट की जगह चार होता, तो हम जो पॉइंटर बना रहे हैं स्टार पे, ये पॉइंटर भी चार टाइप का होगा। अगर ये सी इंट की जगह फ्लोट होता तो मेरा पॉइंटर भी फ्लोट टाइप का होना चाहिए। तो इट्स लाइक कि एक शहर में अगर अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, और कोई पोस्टमैन है जो उन्हें कुछ देना चाहता है, तो जो डॉक्टर्स के लिए पोस्टमैन होगा वो अलग होगा, वो उसको पता होगा कि मैं केवल डॉक्टर्स के एड्रेसेस को रख सकता हूँ। ऐसे ही आर्किटेक्ट्स के लिए जो पोस्टमैन होगा वो अलग होगा, उसे पता होगा कि मैं आर्किटेक्ट्स के एड्रेस को ही रख सकता हूँ। तो अगर आर्किटेक्ट्स वाले पोस्टमैन को हम डॉक्टर का एड्रेस पास करें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हमें जिस भी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, पॉइंटर भी उसी टाइप का होना चाहिए। अब यहाँ पे दो नोटेशंस कई बार कंफ्यूजिंग होती है। ये तो है मेरा पॉइंटर डिक्लेरेशन, जैसे मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी, पर इसको अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो इट्स जस्ट अ डिक्लेरेशन। ऐसे यहाँ पे ये पॉइंटर है, इसको मैंने डिक्लेयर किया है, अभी कोई वैल्यू नहीं दी, तो दिस इज जस्ट अ पॉइंटर डिक्लेरेशन। अच्छा, अब अगर इसको मुझे कुछ वैल्यू देनी है तो पी में जाना चाहिए सी का एड्रेस। एड्रेस देने के लिए हम ये एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं, तो क्या होगा, मेरा जो सिस्टम है वो देखेगा कि सी कहाँ पे है, और सी का जो भी एड्रेस होगा वो मेरा चला जाएगा पी में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा जो सी है वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हुआ है। तो हम प्रिंट करेंगे वैल्यू, तो जैसे हम परसेंट डी इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं, परसेंट डी कैरेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, पॉइंटर्स के लिए यूज करते हैं परसेंट पी। और इसके बाद मैंने दिया यहाँ पे पी सेमी कॉलम, बस। तो अब मेरे जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे मेमोरी में जो सी है उसका एड्रेस ये है। तो आप देख सकते हो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसकी बात हम करेंगे जल्दी ही कि इस हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है। तो ये मेरा मेमोरी एड्रेस है सी का। अब पॉइंटर्स की हेल्प से हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे को सी की वैल्यू देखनी है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्टली सी की वैल्यू प्रिंट करा दूं, वो हम सबको पता है। ये मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देती हूँ सी की, माना कि ये वैल्यू 10 है। तो सी की वैल्यू देखने का एक तरीका तो है कि मैं यहाँ पे परसेंट डी करके सी की वैल्यू प्रिंट करा लूँ, ये एक तरीका है। अब मान लो कि मैं सी की वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ, बट इस पॉइंटर की हेल्प से कराना चाहती हूँ, तो इस पॉइंटर में क्या होगा, इस पॉइंटर में होगा एड्रेस सी का। तो मुझे उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है वो देखनी है। तो बेसिकली उस एड्रेस के, जैसे वो एड्रेस एक घर है मेरे हिसाब से, उस घर के अंदर जाके वैल्यू देखनी है क्या है। तो उसके लिए हम नोटेशन यूज करते हैं स्टार पी। तो यहाँ पे स्टार पी का जो मतलब है वो है कि ये जो पी पॉइंटर है, ये जिस जो भी इसका एड्रेस है, जो भी इसके अंदर एड्रेस स्टोर्ड है, उस एड्रेस में वैल्यू क्या है। तो हमें यहाँ ये जो स्टार पी है और ये जो स्टार पी है, इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना। ये स्टार पी केवल एक बार यूज होता है जब हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ ये स्टार पी हो गया, इस पर्टिकुलर लाइन के बाद आप अपने पूरे प्रोग्राम में जहाँ पे भी स्टार पी लिखोगे, उसका मतलब होगा कि आप उस एड्रेस पे वैल्यू देखना चाहते हो कि वो क्या है। तो इसके बाद जब कहीं भी मैं स्टार पी यूज करूंगी तो मेरा क्या मतलब है, क्योंकि पी में अभी मेरा सी का एड्रेस है, तो जो जो भी चीज़ मैं स्टार पी के साथ करूंगी वो चीज़ सी के साथ हो जाएगी। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ कि स्टार पी में क्या है, और हम इसको रन करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं दोनों जगह हमें वैल्यू मिली 10। तो ये तो हमने सी की वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट कराई थी, और ये हमने प्रिंट कराई है पॉइंटर की हेल्प से। अब मान लो हम यहाँ पे एक और इंटीजर ले लेते हैं इंट डी, उसकी वैल्यू है 10। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार पी यहाँ पे प्रिंट कराने से पहले हम एक लाइन लिख देते हैं, पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ डी। अब क्या होगा, यहाँ तक तो इस पॉइंटर में सी का एड्रेस था, हमने पी की वैल्यू देख ली, हमने सी की वैल्यू देख ली, बट इस लाइन में हमने पी में डी का एड्रेस डाल दिया, डी को शो कर देते हैं हम यहाँ पे। तो पी में अब आ गया डी का एड्रेस। तो हम एक बार फिर से इसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने प्रिंट कराया है एड्रेस,
यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है पी जब उसमें सी का एड्रेस था, और यहाँ पे हमने पी प्रिंट कराया है जब उसमें डी का एड्रेस आ गया। तो बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारा सी का एड्रेस और ये है हमारा डी का एड्रेस। अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हमने यहाँ पे कहा था कि जैसे ही मेरे प्रोग्राम ने देखा कि एक इंट सी बनाना है, तो इसने कहीं ना कहीं पे खाली मेमोरी ढूंढी और उस खाली मेमोरी में से 4 बाइट्स इंटीजर को दे दिए। मान लो मेरे को अब पता कैसे चला कि इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा है? तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में ये पता करना है, तो एक ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर, आप उसकी हेल्प से पता कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में लिखा इंट सी इक्वल्स टू 10, मैं पता करना चाहती हूँ कि ये सी कितनी मेमोरी यूज़ करता है, कितने बाइट्स लेता है ये मेरे सिस्टम के अंदर। तो मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर सकती हूँ साइज ऑफ सी, और यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर कॉल करने वाली हूँ साइज ऑफ ऑपरेटर, और उसमें मैंने दिया साइज ऑफ सी। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें सी का साइज भी पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पे मुझे एक देना है \n। हम देख सकते हैं यहाँ पे सी का साइज है 4, तो ये मेरा इंटीरियर ले रहा है 4 बाइट्स। अब यहाँ पे हमने बनाया है एक दूसरा इंटीजर, इसने कहीं और मेमोरी में 4 बाइट्स ले लिए। यहाँ पे हमने बनाया है पॉइंटर। अब ये पॉइंटर भी है तो एक वेरिएबल ही, और ये पॉइंटर खुद मेमोरी में कहीं ना कहीं होगा। जैसे मान लो कि ये जो सी है मेरा मेमोरी में यहाँ पे है, तो मैं इसको जस्ट डिनोट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कि ये मेरा सी है मेमोरी में, राइट? और इस सी का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही रैंडम एड्रेस लिख देती हूँ, ऑल्दो ये हेक्साडेसिमल है, बस एग्जाम्पल के सेक के लिए मैं यहाँ पे 34 लिख रही हूँ। इसका मतलब मेमोरी में 34 लोकेशन पे मेरा सी है। अब कहीं ना कहीं पे मेरा पी होगा, और इस सी में कुछ ना कुछ वैल्यू भी है, मैं वो वैल्यू भी यहाँ पे लिख देती हूँ। सी में मेरा है 10 वैल्यू। तो ये क्या दिखा रहा है मेरा, ये है मेमोरी में मेरा सी, ये ले रहा है 4 बाइट्स, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है मेरी 10, और सी का एड्रेस है 34। अब हम बात करते हैं पी की। तो जैसे ही हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी कहीं ना कहीं पे मेमोरी लेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इस पॉइंटर ने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, यहाँ पे मेमोरी लिया है, ये है मेरा पी, ये भी मेमोरी में कुछ स्पेस ले रहा है। अब सिंस पी भी मेरा एक वेरिएबल है, पी भी किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस पे ही होगा क्योंकि इसने कुछ मेमोरी लिया है। तो मान लेते हैं कि पी है मेरा 78 एड्रेस पे। उसके बाद इनिशियली तो पी की वैल्यू गार्बेज थी, अगली लाइन में मैंने पी में सी का एड्रेस डाला है, तो पी के अंदर जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 34, जो कि मेरा सी का एड्रेस है। अब मान लो मैं पी का एड्रेस देखना चाहती हूँ। सी का एड्रेस देखने का तरीका तो हमने निकाल लिया कि एक पॉइंटर बनाया, इस पॉइंटर में सी का एड्रेस डाला और पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पी का एड्रेस क्या है। तो हम क्या बना रहे हैं, अब हमें पता है कि जैसे हमें किसी इंटीजर का एड्रेस देखना था तो हमने बनाया पॉइंटर टू इंटीजर। अगर हमें किसी कैरेक्टर का एड्रेस देखना होता तो हम बनाते पॉइंटर टू कैरेक्टर। अब पी है यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल, हमें देखना है पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस, तो अब हम बनाएंगे पॉइंटर टू अ पॉइंटर। ने पॉइंटर बनाया और ये पॉइंटर रेफर करेगा एक पॉइंटर को, तो इसको हम डबल पॉइंटर भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि मेरा एक पॉइंटर है जो कि एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर को पॉइंट करेगा। और अब मैं क्या कर सकती हूँ, सॉरी नाम इसे अलग देना पड़ेगा। तो अब जो मेरा P1 है उसमें एक्चुअली मैं एड्रेस डाल सकती हूँ P का, और इसमें P का एड्रेस डालने के बाद हम P1 की वैल्यू भी देख सकते हैं। तो P1 की वैल्यू हमें बताएगी कि P का एड्रेस क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है मेरी वैल्यू ऑफ P1 इक्वल्स टू P1, P1 अब
अब मेरा जो P1 है वो भी मेमोरी में कहीं पे बना होगा, हो सकता है मेरा P1 यहाँ पे बना है, और P1 के अंदर जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है P का एड्रेस, तो P का एड्रेस है 78, तो अब वो मेरा 78 यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ से देख सकती हूँ। तो ये मेरे को क्या करेगा, अपनी वैल्यू बता देगा P1। उसके बाद तो हम जब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ P1, तो ये मुझे क्या बताएगा, जैसे यहाँ पे था मेरा इंट स्टार P, तो मेरे को बताएगा P की वैल्यू, जब भी मैं P को प्रिंट करूँगी वो बताएगा P की वैल्यू। ऐसे ही जब मैंने यहाँ पे P1 प्रिंट किया तो वो बताएगा P1 की वैल्यू। P1 की वैल्यू मेरी कुछ भी नहीं है, बट वो है मेरा P का एड्रेस, राइट। और अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये, तो इसका क्या मतलब हुआ, लेट से आई राइट हियर स्टार इसको थोड़ा ध्यान से देखना, स्टार P1 हो क्या रहा है। अब हमने कहा था कि एक बार तो हमने यहाँ पे क्या किया, P1 को डिक्लेयर किया है, ये तो हो गया मेरा डबल पॉइंटर। जब भी मैं एक पॉइंटर के आगे स्टार लगाती हूँ वो मुझे क्या बताता है, तो ये तो P1 की वैल्यू हो गई, मतलब P1 के अंदर जो भी एड्रेस हो गया वो मैंने देख लिया, यहाँ पे है स्टार P1। तो स्टार P1 का मतलब क्या है कि P1 के अंदर जो भी एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस पे जाओ और देखो कि उस एड्रेस के अंदर क्या है। तो इट मीन्स गो टू दी एड्रेस, आई एम राइटिंग इट पॉइंटेड बाई P1। पॉइंटेड बाई P1 का मतलब है P1 के अंदर जो एड्रेस है वहाँ पे जाओ और उस एड्रेस पे देखो कि क्या वैल्यू है, लुक एट द वैल्यू देयर। तो अब जब मैंने यहाँ पे किया स्टार P1, तो P1 के अंदर एड्रेस है मेरा 78, तो हम उस 78 एड्रेस पे गए और उस एड्रेस के अंदर हमने वैल्यू देखी क्या है, तो उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है वो है 34, एंड अगेन 34 इज नथिंग बट इस वाले सी का एड्रेस है वो। अच्छा, अगर इसकी जगह मैं ऐसे अब लिखूँ प्रिंट एफ एंड परसेंट डी कॉमा, इसका क्या मतलब हुआ, देख सकते हो। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करेगा स्टार P1। तो स्टार P1 तो हमने ऊपर देखा था, स्टार P1 कुछ भी नहीं है, स्टार P1 मतलब कि P1 जिस P1 के अंदर जो भी एड्रेस है, मतलब P1 जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वो एड्रेस है मेरा 78, उस एड्रेस के पास जाओ, उस एड्रेस के अंदर वैल्यू देखो क्या है 34, तो स्टार P1 हो गया 34। अब उस हम इस 34 के ऊपर भी लगा रहे हैं स्टार, अब ये 34 क्या है, खुद में एक पॉइंटर है, पॉइंटर P है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक स्टार लगा रहे हैं, मतलब ये वाला जो एड्रेस है इसके पास जाओ और उसके अंदर देखो क्या वैल्यू है। तो ये कुछ भी नहीं करेगा बल्कि ये सी की वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो ऐसे हम बना सकते हैं डबल पॉइंटर्स, ऐसे हम ट्रिपल पॉइंटर्स भी बना सकते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा, जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा P1 की क्या वैल्यू है, P1 की वैल्यू में कुछ भी नहीं होगा बट P का एड्रेस होगा। उसके बाद जब हम स्टार P1 प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा सी का एड्रेस, क्योंकि वो मेरी वैल्यू है P1 के अंदर, और जब हम डबल पॉइंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सी की वैल्यू। तो इसको एक बैक स्लैश एन मिस कर दिया हमने, ओके। तो ये मेरी है P1 की वैल्यू, मतलब ये है मेरा P का एड्रेस और ये है मेरा C का एड्रेस, और C के अंदर ये मुझे दिखा रहा है कुछ गार्बेज वैल्यू, मतलब कि हो गई है कुछ गड़बड़। ओके, गड़बड़ ये हुई है कि हमने यहाँ पे जब स्टार P पॉइंटर डिक्लेयर किया इसमें हम C का एड्रेस डालना भूल गए। तो जब तक हमने इसमें C का एड्रेस नहीं डाला तो जो P है यहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू होगी। तो यहाँ क्या था, पहले तो हमने यहाँ 34 नहीं डाला, सिंस हमने असाइन नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू है। तो जब हमने P1 की वैल्यू देखी तो वो तो हमारे पास आ गया P का एड्रेस,
उसके बाद हमने पीके एड्रेस के अंदर वैल्यू देखी तो वो मेरी प्रिंट हो गई गार्बेज वैल्यू। अब हम जब उस गार्बेज वैल्यू मतलब ये वाला जो एड्रेस है इसके अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है और अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जहाँ पे हमने पी लिया है यहाँ पे हमें डालना है एड्रेस ऑफ सी। हम देख सकते हैं ये है मेरी पी वन की वैल्यू मतलब पी का एड्रेस, ये है मेरी पी की वैल्यू मतलब सी का एड्रेस, और ये है हमारी सी की वैल्यू। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स और डबल पॉइंटर्स। अच्छा, अगर इसमें मैं कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ करने की कोशिश करूं, जैसे अभी तक तो हमने हमें पता है कि ये जो स्टार स्टार पी वन है ये एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है क्योंकि मेरा पॉइंटर भी इंटीजर था और ये मेरा डबल पॉइंटर भी इंट है। अगर मैं यहाँ पे परसेंट डी की जगह परसेंट सी कर दूँ तो क्या होगा, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अगर हम ऐसा कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं कोड के साथ तो कोड अभी भी मेरा कंपाइल हो रहा है बट इसका आउटपुट कुछ अजीब सा आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा जो आउटपुट है वो पहले ही टर्मिनेट हो गया है, उसने पी वन की वैल्यू दिखा दी मुझे, पी की वैल्यू दिखा दी बट उसके बाद जो एड्रेस पे गया तो उसे कुछ नहीं मिला, तो प्रोग्राम मेरा अनएक्सपेक्टेडली क्लोज हो गया है। कई बार हो सकता है जब हम इसे एग्जीक्यूट करें ये हमें कुछ वैल्यू भी दिखा दे पर लॉजिकली वो वैल्यू सही नहीं होगी, तो इसलिए हमें हमेशा पॉइंटर और वेरिएबल के बीच में कंसिस्टेंसी रखनी है। इससे अगले वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे, तो जब हम देख रहे हैं ये पॉइंटर्स की वैल्यू तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू आ रही है और मेरे कंप्यूटर में आप देखोगे कि ये है एक 8 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसका मतलब क्या है और क्या आप इसके इस नंबर के हेल्प से पॉइंटर के हेल्प से अपने मेमोरी के बारे में कुछ कह सकते हो, तो उसका हमें उसको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी अगले वीडियो में और उसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंटर्स के साथ हम क्या क्या अरिथमेटिक कर सकते हैं।